आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। LIC में शहरी एजेंट भर्ती 6000 हर माह, 20 से 25000 कमीशन, केवल 25 पद। जल्द संपर्क करें, योग्यता 12th पास, उम्र 25 वर्ष। संपर्क करें आशीष जैन, LIC विकास अधिकारी दमोह। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। आइए नजर डालते हैं दिनभर की बड़ी खबरों में। दिनभर की बड़ी खबरों में आज 8 खबरें। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिला कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा लगातार किसानों को हो रही खाद की समस्या को लेकर एक जानकारी प्रेषित की गई, क्या कहना है कलेक्टर का सुनते हैं। किसान भाई से निवेदन है कि लगातार जो है जिला प्रशासन द्वारा जिले में उपलब्ध DAP हो, NPK हो, उसके बारे में लगातार हम लोग जानकारियां भी दे रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी अपने विपणन संघ हो वहाँ पे जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए। उसके तहत जो है पूरे जिले में जितने भी विपणन संघ या अपना मार्केटिंग सोसाइटी के जो वितरण केंद्र है वहाँ पे मिनिमम 3 काउंटर जो है वो खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और दमोह में ऑलरेडी हम लोगों ने 4 काउंटरों से यहाँ पे वितरण सुनिश्चित किया है। हटा और पतरिया में भी चल रही है कि 3-3 काउंटर में वितरण हो रही है। उसी के हम लोग जवेरा और तेंदुखेड़ा में भी 3-3 काउंटर से वितरण जो भी होगा वो सुनिश्चित हम लोग करेंगे। आज के डेट में हम लोगों की DAP का जितना भी स्टॉक है वो भी कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग पहले से ही टोकन प्राप्त किए हो या लोग जो लाइन में खड़े हैं उन लोगों को वितरण करने के लिए, या NP का जितने भी स्टॉक है वो भी हम लोग प्रयास करेंगे जो भी लोग उसमें इंटरेस्टेड हो लेने के लिए उन लोगों को वितरण करने का हम लोग जो है व्यवस्था वहां पे बनाएंगे। कल भी जो है हम लोगों के वितरण केंद्र जो है अगर स्टॉक उपलब्ध है NPK का या DAP का वहां पे सभी विपणन संघ के या मार्केटिंग सोसाइटी के वितरण केंद्र जो है वो ओपन रहेंगे। कल पूरा दिन भी हम लोग प्रयास करेंगे जितने भी अपने किसान भाई आए उन लोगों को वितरण जो है हम लोग सुनिश्चित करेंगे, लेकिन परसों के दिन जो है पूरे अपने वितरण केंद्र जो है वो बंद रहेंगे। तो सभी लोगों को ये सूचना हम लोग पहले से ही दे रहे हैं, सभी लोग पहले से ही सूचित हो। परसों जो है अपना जनजाति गौरव दिवस है और हम लोगों को बाकी अपना स्टॉक वेरिफिकेशन का हो या बाकी चीज जो है कंप्लीट करने के लिए एक दिन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए निर्णय लिया गया है कि परसों जो है अपने पूरे विपणन संघ के हो या अपने मार्केटिंग सोसाइटी के वितरण केंद्र हैं वो सभी जो है वो बंद रहेंगे। और आज जो है हम लोगों को 600 मेट्रिक टन NPK की खाद जो है वो उपलब्ध होने वाली है। तो ये प्रयास है हम लोगों का कि सभी अपने जितने भी विपणन संघ है या मार्केटिंग सोसाइटी है वहां पे 100-100 मेट्रिक टन का जो है खाद जो है वो हम लोग शाम तक सभी जगह उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। दमोह के जलपुर नाका क्षेत्र में TVS एजेंसी के पास आदर्श स्कूल के पास चल रही श्रीमद भागवत कथा में 4th दिन क्षेत्रीय भक्तगण आनंद लेते नजर आए। कथा व्यास पंडित दीपक कृष्ण व्यास जी के मुखारविंद से कथा चल रही है, जहां श्री राम एवं कृष्ण जन्म मनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय भक्तगण कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा श्रोता कोतवाली में पदस्थ सब इंस्पेक्टर दशरथ प्रसाद दुबे और उनकी श्रीमती जी हैं। दमोह जिले में लगातार जहां डेंगू के प्रकोप से लोग ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के द्वारा लगातार नालियों की साफ सफाई नहीं की जा रही है, मच्छर पनप रहे हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला जिला अस्पताल से निकलने वाली नाली जो कि बस स्टैंड
चौराहे पर निकलती है जिसमें काफ़ी मात्रा में कचरा भरा हुआ है, जल का भराव है। स्थानीय दुकानदार इससे काफ़ी परेशान हैं, जिनका लगातार कहना है कि सफाई कर्मचारियों से लगातार साफ़ सफाई करने को कहा जाता है, लेकिन नाली भी खुली छोड़ देते हैं और उसकी साफ़ सफाई नहीं की जा रही है। वहीं डेंगू का प्रकोप पूरे दमोह ज़िले में फैला हुआ है, जिसका सभी दुकानदारों को डर बना हुआ है। दमोह जिले के बडियागढ़ में रहने वाले बद्री विश्वकर्मा, जो कि खली के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो पूरे देश में अपना टैलेंट बिखेर चुके हैं, इंडिया गोट टैलेंट के बाद सीधे अमेरिका गोट टैलेंट को सिलेक्ट हुए हैं दमोह के खली। There are no rules. Everyone has the power to tell their own story. Auditions are coming soon. Sign up, show up. Let's see what you've got. I cannot wait to see your talent. Now it's your time to show the world. Good luck, everyone. Do not miss it. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जलपुर के निर्देश में रेणुका कंचन प्रधान जिलाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में आज़ादी के अमृत महोत्सव अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम हटा में बृहद जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। NCW के सहयोग से परियोजना कार्यालय में किया गया शिविर का शुभारंभ द्वितीय जिला न्यायाधीश के मिश्रा द्वारा गांधी जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दिव्य प्रज्वलन किया गया। उक्त शिविर में बड़ी संख्या में अधिकारियों के साथ महिला बाल विकास के अधिकारियों की कार्यक्रम में उपस्थिति रही। इनको नियुक्त किया गया है, आप ऐसी महिलाओं को लेके इनके पास आ जाइए या इनको मैसेज कीजिए, ये उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद वो उनका आवेदन बनाएंगे और वो फिर कोर्ट में पेश करेंगे। यही है ना नियम, आप लोग को मालूम है कि नहीं? वो चाहे तो पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन वो नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। हमारे परियोजना अधिकारी और किनको जिनको सशक्त किया गया है केवल ना, तो परियोजना अधिकारी सशक्त है, उनको वहां तक लाइए या इनको बताइए कि वहां घरेलू हिंसा हो रही है, इनको जाना पड़ेगा और वो फिर कोर्ट में परिवाद पेश कर देंगे, कोर्ट में केस चलेगा। उसमें क्या क्या है भाई, कोई महिला घर में भूखी मर रही है, किसी को इलाज की जरूरत है, किसी को कमरा चाहिए, घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो उस अधिनियम में प्रावधान किया गया है तत्काल परियोजना अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करेंगे या दिलवाएंगे, उनको कमरा दिया जाए, घर में रहने दिया जाए, चिकित्सा सुविधा दी जाए, निवास आदेश दिया जाए या अन्य जो भी आदेश उसकी उस महिला को आवश्यकता है, वो सारे आदेश तत्काल पारित होते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जहां पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया, दमोह जिले में भी पाइपलाइन बिछाई गई। इनको खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं कराए जाने से आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के ग्राम रने मार्ग पर देखने को मिला, जहां सड़क पर पाइपलाइन बिछाने को खोदी गई लाइन में एक ट्रक फंस गया। भारी वाहनों की आवाजाही से जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। वहीं खचना नाके से रसीलपुर जाने वाले मार्ग पर हबी होटल के सामने खुदी सड़क में एक ट्रक का पहिया फंस गया। गनीमत रही कि ट्रक पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस मार्ग पर दिनभर आवागमन चालू रहता है और इस मार्ग पर बेयर हाउस होने के कारण ट्रकों का आना जाना लगा रहता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी की आंवला नवमी नगर के मंदिरों में भक्तिभाव के साथ मनाई जाती है। वहीं दमोह जिले के हटा में भी महिलाओं ने मंदिरों एवं अन्य जगहों पर जाकर समूह में आंवले के पेड़ की पूजा की, परिक्रमा लगाई। भूतेश्वर मंदिर में आंवला पूजन का कार्यक्रम किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में क्या कहना है पंडित जी का भी सुनते हैं विस्तार से। जय गोपाल। पूज्य परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, पूज्य मलुक पीठ अधीश्वर महाराज जी की सत्प्रेरणा से दीपावली के दूसरे दिन से गौनाती शुरू होती है, प्रथमा से लेकर आज अक्षय नवमी तक। तो आज अक्षय नवमी को पूर्णा होती है, अक्षय नवमी के दिन अक्षय वृक्ष का पूजन किया गया, गौ माता का पूजन किया गया और सभी लोग अपना अपना भोजन लाए, यहाँ सबने भंडारा किया। जय गौ माता, जय गोपाल। दमोह जिले के हटा में नव निर्मित मछली मार्केट की 24 दुकानों का लॉटरी सिस्टम के द्वारा
तहसीलदार ने आवंटन किया। नगर में बहुत दिनों से मछली मार्केट के विस्थापन की मांग सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही थी, जिसको लेकर नगर पालिका ने बस स्टैंड से बूढ़ाहटा मार्ग पर नाली के पास टीन सेट मार्ग पर निर्माण कर 30 से अधिक दुकानों का निर्माण कराया, जिसका आवंटन नगर पालिका व SDM गगन बिशन के निर्देशन में तहसीलदार अनिल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में किया गया। क्या कहना है अधिकारियों का व दुकानदारों का, सुनिए। मीट मार्केट के लिए आवंटन प्रक्रिया हुई है, कैसे प्रक्रिया हुई, क्या आज अनुभागीय अधिकारी हटा के आदेश अनुसार मुझे आवंटन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इस संबंध में 22 दुकानें नगर पालिका द्वारा निर्मित की गई थी, जिसमें 11 दुकानें जो पूर्व से लग रही थी उनकी आवंटन प्रक्रिया लाटरी डाल के पहले की गई, और उसके बाद नवीन दुकानदार 11 दुकानदारों की आवंटन प्रक्रिया लाटरी निकाल कर बाद में करके सभी दुकानों की नीलामी संपन्न की। कुल कितनी दुकानें आवंटित की गई? 22 दुकानें आवंटित की गई, जिसमें 11 पूर्व से संचालित थी और 11 नई दुकानों के लिए अलॉटमेंट। समस्या सर, ग्राम बिंदी का मामला है, हम लोग कलेक्टर महोदय द्वारा हम लोगों को 10 साल का पट्टा जारी हुआ है, जिसमें हम लोगों ने मछली पालन का कार्य किया है, उसमें बीज छोड़ा है, और चूँकि गाँव के अन्य व्यक्ति लोग ज़बरदस्ती उसमें मशीन रख रहे हैं, अपन ने मना किया है, वो मान नहीं रहे हैं, अपन को किसी से विवाद नहीं करना, अपन लोग कानूनी कार्रवाई द्वारा कानून से अपन सहारा लेना चाहते हैं, ताकि गांव में तलाब से पानी ना निकले। यहां आप आए हैं, क्या किया है आपने? यहां हम लोग ने आके SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है, और यहां थाना प्रभारी को आवेदन दिया है, ताकि हम लोग को सुरक्षा मिले। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि पानी ना निकले तालाब से।